जिनकी आवाजें हम तक पहुंची वो कह रहे हैं कि आप जो खाद्य सामग्री आप भेज रहे थे उसे न भेजें, अब हवा भेजें। जो हमारे भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी कहना चाहता हूं कि हमारा हर संभव प्रयास है कि उनको सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर। यहाँ पर कार्य बड़ी स्पीड से हो रहा है सर, काफी लोग मेहनत कर रहे हैं, कंपनी जो बराबर जो है वर्क कर रही है, कल से लगी हुई है, शासन प्रशासन भी बिल्कुल कल से जो है हमारे साथ खड़ा है और पूरे कंपनी का स्टाफ बिल्कुल जी जान से यहाँ पर हैं। और अभी मैं अंदर गया था तो मैं जो है वहाँ पर जब देखा तो वहाँ से हम लोग वो लोग बात कर रहे थे सेफ्टी वाले, तो वो लोग कह रहे हैं कि उनकी आवाजें हम तक पहुंची, वो कह रहे हैं कि आप जो खाद्य सामग्री आप भेज रहे थे उसे न भेजें, अब हवा भेजें। यहां पर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई कि हम लोगों को जो है बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे साइड से टूट रहा है, तो वर्तमान में जहां पर जो है हमारा कार्य रैक से चल रहा है बाहर से वह है 205 मीटर पे, और वो लोग जो है 270 मीटर पर है अंदर। वो कह रहे हैं कि हम 270 पर अंदर है और ये लगाओ कि 50-60 मीटर अभी भी बाकी है खोने के लिए। अब देखते हैं इसमें कितना समय लगता है, भगवान चाहे वो सारे लोग सुरक्षित हों, यही हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। अंदर की सर अभी सर मकिंग चल रहा है, एक्सवेटर और लोडर से मकिंग चल रहा है, हाईवा से निकालते जा रहा है और बाकी सर निकाल रहा है और वो माल गिर रहा है। अभी पता नहीं लगाया जा सकता है कि कितना वो माल गिरा है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30-35 मीटर के लमसम वो टनल गिरने का अंदाजा है सर। और ये प्रोसेस है, सुबह करीब 5:30 बजे के लमसम ये घटना हुआ है सर। यहाँ पर तेजी से जो बचाव का काम है, रेस्क्यू का काम है, मलबा हटाने का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर चूंकि कंप्रेसर के माध्यम से उनको खाने के लिए भी जो लोग अंदर है खाद्य सामग्री भी अंदर भेजी गई है और सभी लोग अभी पूरी तरह से ठीक हैं, उनसे लगातार यहाँ पर बात भी हो रही है, इसलिए हम आश्वस्त हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। और जो भी विशेषज्ञ हैं उन सभी से बात हो रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर गंभीर है। जो हमारे भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारा हर संभव प्रयास है कि उनको सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाले। अभी भी रेस्क्यू वर्क चल रहा है जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और इस समय शॉर्ट क्रिटिंग का कार्य गतिमान है और प्रयास यही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उनको एयर सप्लाई की जा रही है, उनसे कम्युनिकेशन के प्रयास भी किए गए हैं, तो उम्मीद है कि जल्दी ही सबको सकुशल निकाल लिया जाएगा। हमारा आदमी इधर 30-35 आदमी फंसा हुआ है, ठीक है सर, कल से लगे हुए हैं, काम उधर चल रहा है, अभी तक कोई आदमी नहीं निकला, ठीक है सर। और कल दिवाली का टाइम था और सुबह 5:30-5:30 बजे ये हादसा हो गया और आदमी उधर हमारा फंस गया है, अभी तक कोई नहीं निकला अंदर से बाहर। सर हम लोग जैसे टनल के अंदर गए थे सुबह हम लोग 4 बजे निकले, करीब 5:30 बजे के टाइम ये टनल जो 200 के बाद जो है ऊपर से पूरा गिरना चालू हुआ, धीरे धीरे पूरा गिर गया, लगभग वही 20 या 25 मीटर जैसा गिरा टनल और अंदर के आदमी अंदर ही रह गए, जो बाहर आए थे टॉयलेट वॉयलेट करने वो लोग बाहर रह गए। उसके बाद से कंपनी वाले जितने थे सब अपना अपना मशीन वशीन ले कर लगे निकालने में और अभी तक सफल नहीं हुआ कुछ। मेरे चाचा का लड़का है, उसको लाया था इधर, मैं घर में जाके क्या बोलूँगा उसको। और कुछ भाई लोग हैं हमारे वहाँ के, 6 आदमी हैं और एक लखीमपुर का है और 3 झारखंड के हैं और 5 लमसम ये 5.5
बजे के बाद में हुआ सर। तो दीपावली भी हमारा खराब हो गया, वो लोग अब पैसे कैसे निकल जाए, बस यही हमारा दुआ है भगवान से।